नमस्कार, एनवीआई न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं सुनील जोगी। जमीनी हकीकत के साथ एक बार फिर हमारे बीच में मौजूद हैं आज अमित चौधरी जी। देखेंगे आप इनकी हकीकत। एशिया यूथ में जीता है गोल्ड मेडल अंडर 18। जानेंगे इनसे इस मुकाम तक पहुंचने के लिए इन्होंने क्या हासिल किया, किस तरीके से इन्होंने कामयाबी प्राप्त की, क्या नाम है उस माँ का जिसने अपनी आंचल का दूध पिला करके ऐसे सपूत को पैदा किया जो आज हमारे क्षेत्र का नाम यूथ एशिया में जिन्होंने बनाया। और आज ब्रज सतरंगड़ी फाउंडेशन ने भी उनको 2100 रुपए का चेक दे करके और टी शर्ट प्रदान करके उनका बहुत हर्षोल्लास के साथ स्वागत किया है। जबकि अमित चौधरी जी ने 1500 मीटर में यहाँ प्रतिभाग नहीं लिया है। तो जानेंगे अमित चौधरी जी, किस तरीके से आपने कामयाबी हासिल की है। मेरा नाम अमित चौधरी है और मैं अलीगढ़ में रहता हूँ और अलीगढ़ के अल्लाहबाई स्टेडियम में रहकर ही मैं प्रैक्टिस करता हूँ। तो स्टेडियम सर दोबारा से बताएं। महारानी अल्लाहबाई होलकर स्टेडियम है क्वारसी में, उसमें रह के प्रैक्टिस करता हूँ। और मैं करीब 2017 से अपना मैंने जो स्पोर्ट्स करियर स्टार्ट किया था जी। तो तभी से मैंने सीबीएसई गेम्स खेलना स्टार्ट किया। स्कूल में था, स्कूल में गेम्स होते थे जी। तो उसी में पार्टिसिपेट करना स्टार्ट किया जी। उसके बाद फिर सीबीएसई नेशनल वगैरह हुए, उनमें पार्टिसिपेट किया। फिर एएफआई के गेम हुए जी। उनके बारे में पता पड़ा, फिर उनमें पार्टिसिपेट करना शुरू किया। अमित जी जानेंगे जिस तरीके से लाइन में लगाए आप, बताएं कि आपके दिमाग में ये विचार कैसे पैदा हुआ। जो मेरे पिताजी हैं अजय सिंह, वो स्पोर्ट्स करते थे तो उन्हीं को देख के मैं स्पोर्ट्स करियर में आया जी। जी, तो क्या पिताजी ने आपको विवश किया इस लाइन के लिए आपने? नहीं, वो मेरा खुद का इंटरेस्ट था ये करने के लिए। और बाकी बताया मैंने कि स्कूल्स में भी गेम होते थे तो स्कूल से भी इंटरेस्ट हुआ जी। तो उसको देखते हुए मैं आज यहाँ आया जी। तो आप जो है अंडर 18 एशिया जो पहुंचे आप, उसमें गोल्ड मेडल आपने जीता है, उसके लिए आपने किस तरीके की कहां किस किस की मदद ली? सबसे पहले तो फैमिली का सपोर्ट बहुत जरूरी है, वो मेरे को मिला। और बाकी जो मेरे कोच हैं अवधेश शर्मा, उन्होंने मेरे को बहुत सपोर्ट किया, प्रैक्टिस कराई और बाकी जो भी जरूरत थी मेरी वो सारी पूरी करी। अवधेश शर्मा जी कहाँ से हैं और तैयारी कराने का क्या चार्ज होता है उनका? तैयारी का चार्ज कुछ नहीं, वो स्टार्टिंग से ही जब मैं ग्राउंड जाता था तब पहले अपना ऐसे ही इतना पता नहीं था, तो उन्होंने भैया ने मेरे को देखा, फिर उन्होंने ही बताया मेरे को इस तरीके से कर, तो धीरे धीरे बताया उन्होंने। और वो अलीगढ़ में ही रहते हैं और अभी अपना वो शॉप वगैरह संभालते हैं। हाल फिलहाल आप क्या कर रहे हैं? अभी फिलहाल मैं अपना अलीगढ़ में रह के प्रैक्टिस कर रहा हूँ आगे के गेम के लिए। आगे के गेम के लिए जिस तरीके से आपने अंडर 18 एशिया में गोल्ड मेडल जीता है, तो आप वहाँ किस तरीके से पहुंचे और कामयाबी कैसे मिली आपको बताए? मतलब वही अपना तैयारी करी मैंने, रेगुलर प्रैक्टिस रखी और अभी जब मेरा कंपटीशन था उसके क्वालिफाइंग के लिए एशियन यूथ के लिए जी। तो लास्ट टाइम मैं कुछ महीने के लिए, 2-3 महीने के लिए दिल्ली भी गया था, वहाँ पे जेएलएन स्टेडियम में प्रैक्टिस करी जी। उसके बाद मेरा भोपाल में गेम हुए, उसमें क्वालिफाई हुआ, उसके बाद हम खेलने गए कुवैत में। जिस तरीके से दर्शक देख पा रहे हैं आपकी बात, दर्शकों तक हम पहुंचाना इसलिए जरूरी समझ रहे हैं क्योंकि जो आपके छोटे भाई इस चैनल को देखेंगे वो ये तैयारी कर सकेंगे जो दिल्ली में आपने तैयारी की उसका क्या चार्ज लगा और किस स्टेप बाय स्टेप आपने काम किया इसके लिए। दिल्ली में चार्ज हो रहा तो ग्राउंड की जो फीस होती है वो जाती है, उसके अलावा कोई फीस नहीं है। बाकी अपना तुम जो भी वहां पे रहते हैं खाते हैं वो सबका ही पे करना पड़ेगा और उसके अलावा आपको रेगुलर प्रैक्टिस रखनी पड़ेगी अपनी। अमित जी जानना चाहेंगे कि दौड़ एक अच्छा विषय है और शरीर भी स्वस्थ रहता है उससे। दर्शकों को जो भी तैयारी करते हैं दर्शक बच्चे तो देख रहे हैं आपके छोटे बड़े भाई, हमारे भी भाई हैं, तो उनको क्या बताएंगे आप, क्या संदेश देंगे दौड़ को किस तरीके से करना चाहिए कामयाबी प्राप्त करने के लिए? अगर पहले तो आपका जिस चीज में भी इंटरेस्ट है उसी को फॉलो करें, उसी के बेसिस पे आगे चलें तो उसी में आप कामयाब हो पाएंगे। और बाकी अपना जो भी है स्पोर्ट्स की कोई भी गेम सही, एथलेटिक्स सही या स्पोर्ट्स का कोई भी गेम सही, उसमें अगर आप करेंगे तो आपकी बॉडी हेल्थ फिट रहेगी और बाकी आपको कोई भी परेशानी वगैरह नहीं होगी, आप अच्छे फिट रहेंगे।
जी सर, ये अमित जी एक हंसने हंसाने वाली बात है कि आपको देखा जा रहा है तो लगेगा कि फूंक मार के उड़ा देंगे। जो बच्चे जिम जाते हैं उनके लिए क्या कहेंगे आप, बड़े बॉडी फिल्टर होते हैं वो? ये जो होता है ये हमारे एथलेटिक्स में हमारे इवेंट्स के बेसिस पर होता है, जो कि देखने को मिलता है कि जो स्प्रिंटर्स होते हैं हमारे जी, वो उनकी बॉडी फिजिक्स अच्छी होती है और जो लॉन्ग रेसर होते हैं उनकी बॉडी फिजिक्स थोड़ा लो होती है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हाँ जो लॉन्गर है वो अनफिट रहेंगे, वो उनके एंड्योरेंस और वो एबिलिटी चेक की जाती है। जिस तरीके से आपने गोल्ड मेडल जीता है तो आपको और किसी संस्था ने पुरस्कृत किया है सर? मेरे स्कूल से मेरे को जब मैं वहां से खेल के आया था तो स्कूल से मेरे को बुलाया था, प्रोग्राम कराया था, तो वहां पे मेरे को वो सम्मानित किया था और बाकी मेरे फैमिली मेंबर्स वगैरह। कोई किसी सरकार की तरफ से कोई आपको पुरस्कृत, किसी विधायक ने, किसी सांसद ने, किसी मिनिस्टर ने आज तक कोई खबर ली आपकी? मिनिस्टर वगैरह से तो कोई नहीं मिला, पर अभी एफआई द्वारा जो भी बताया है कि प्राइज मनी मिलेगा वो अभी भी प्रोसेस में, अभी मिला नहीं है तो उसी का काम चल रहा है। जिस तरीके से प्रोसेस में है, कितना अमाउंट मिलेगा लोगों आपको? इसके बारे में कोई आइडिया नहीं मेरे। डाइट में क्या लेते हैं आप विशेष? डाइट में तो अपना वही जैसे कि अपना सप्लीमेंट यूज करते हैं, उसके अलावा हम अपना फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स वगैरह, जूस वगैरह और जितनी सारी हेल्थी चीजें वो यूज करते हैं। अमित जी सप्लीमेंट में क्या क्या लेते हैं? सप्लीमेंट में जैसे कि सही तरीके से बताएं, कुछ हमारे भाई दर्शक जो हैं वो कुछ कम पढ़े लिखे होते हैं तो उनको बताएं कि वो नहीं समझेंगे सप्लीमेंट, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सप्लीमेंट्री, नहीं समझेंगे सप्लीमेंट्री क्या है, इसलिए उनको डिटेल में बताएं कि किस तरीके से क्या होता है वो। सप्लीमेंट हमारा हेल्प करता है, जैसे कि हम प्रोटीन वगैरह लेते हैं तो वो दूध वगैरह से लेते हैं, पर उसमें वो होता है कि बॉडी को नहीं मिल पाता तो वो हम डायरेक्टली उसके सप्लीमेंट के थ्रू प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, कैल्शियम ये सारी चीजें ले सकते हैं। तो अमित जी आगे के लिए क्या तैयारी है आपकी? आगे अभी मेरा मई में फेडरेशन कप है नेशनल, तो उसी की तैयारी है और आगे देखते हैं क्या होगा। चलिए, हमारी शुभकामना है कि आप जीत करके आए, बाकी शादी वादी करने का विचार कब का है? ऐसा अभी कोई थॉट नहीं है मेरे माइंड में, अभी अपना सिर्फ करियर पर ही फोकस करना। जिस तरीके से आप इस कामयाबी के मुकाम तक पहुंचे, इसमें आपको परेशानियां क्या क्या आई हैं? परेशानियां स्पोर्ट्स में सबसे जो मेन होता है एथलीट के लिए वो परेशानी आती है इंजरी की। जो इंजरी जो हो जाती है उसमें उनका पूरा शेड्यूल बिगड़ जाता है, बाकी वर्कआउट नहीं कर पाते हैं, पूरी बॉडी अनफिट हो जाती है, तो इंजरी का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, जिससे कि अपना मसाज रखना, आइसिंग वगैरह जो भी है अपना पूरा, जिससे कि बॉडी इंजर ना हो और हम अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे पाए। जिस तरीके से अपने आप को कैसे संभालते हैं, जिस समय हम प्रतियोगिता में होते हैं उस समय हमारा सांस का वैलेंस किस तरीके से कवर करना चाहिए हमको? जो ये तो आपके जो प्रैक्टिस करते हैं, वर्कआउट करते हैं वो उसी चीज में आता है, बाकी अपना कंपटीशन टाइम पे अपना आपको ध्यान रखना पड़ता है, पूरा स्लीप करना, रेस्ट करना, डाइट लेना, टाइम पे सोना, ये सारी चीजें मैटर करती हैं। अमित जी जैसे जानना चाहेंगे कि जब प्लेयर मैदान में होता है प्ले करने के लिए, उस समय पर शरीर को गर्म करने के लिए मैंने देखा है कुछ प्लेयरों को वो कुछ इस्तेमाल करते हैं, ल्यूक्विड वगैरह और कुछ आम वाम वगैरह, तो उसके उसके बारे में क्या कहेंगे आप? जो है वार्म अप टाइम पे यूज करते हैं, हाँ ड्रिंक वगैरह ले सकते हैं, बहुत सारी चीजें आती हैं, पर कुछ इलीगल चीजें भी होती हैं जो एएफआई एथलेटिक फेडरेशन द्वारा बैन भी हैं, तो वो यूज करने पर आपको बैन कर सकते हैं, बाकी ड्रिंक वगैरह आते हैं एनर्जी ड्रिंक वगैरह वो यूज कर सकते हैं, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं। जिस तरीके से आप प्रतियोगिता से पहले ड्रिंक कर रहे हैं तो क्या वो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं देती? लिमिटेड अमाउंट में ड्रिंक करना चाहिए, जैसे कि सिप सिप करके, जिस तरीके से बॉडी को डिहाइड्रेट भी ना हो, जिससे कि हाइड्रेट लेवल बढ़ा रहे। अमित जी प्रतियोगिता करने के बाद कितने समय बाद ल्यूक्विड लेना चाहिए प्लेयर को? वो सफिशियंट अमाउंट में लेना चाहिए कि ओवरलोड ना हो बॉडी में और बॉडी मेंटेन रहे, जिससे कि बहुत बार होता है हम ओवरलोड कर लेते हैं तो पेट में दर्द होता है और बहुत सारी चीजें होती हैं। अमित जी एक और बात जानना चाहेंगे, प्लेयरों के लिए एक संदेश देंगे आपकी, जब हम तैयारी करते हैं तो स्टार्टिंग में हमारा स्टेप कैसा होना चाहिए और बीच में हमारा स्टेप कैसा होना चाहिए, फाइनल में हमारा स्टेप दूसरे को परास्त करने के लिए स्टेप कैसा होना चाहिए? ये सारी चीजें आप के कोच के ऊपर डिपेंड करता है, वो किस तरीके से बताते हैं आपको, और बाकी वो प्रैक्टिस में ही आपको ये सारी चीजें, कॉम्पिटिशन टाइम पे ऐसा हम सोचते हैं कि हम स्टार्टिंग में थोड़ा स्लो चलेंगे, फास्ट चलेंगे, ऐसा कुछ नहीं, कॉम्पिटिशन टाइम पे फिर कंडीशन चेंज होती जाती है, तो वो ऐसा पहले से डिसाइड कुछ नहीं कर सकते। जी जी जी,
तो जिस तरीके से आप तैयारी कर रहे हैं तो आराम आपकी बॉडी को क्या घंटे चाहिए 24 घंटे में से? जो स्पोर्ट्समैन सभी होते हैं वो उनको कम से कम दिन में 8-9 घंटे की नींद लेनी होती है पूरा। और डाइट में और क्या क्या लेते हैं आप अदर? डाइट में यही सारी चीजें हैं, इससे अलावा कुछ नहीं है, यही सारी चीजें लेते हैं। बस शेड्यूल अपना बनाना पड़ता है किस टाइम पे क्या खाना है क्या नहीं खाना, कब लंच करना है, ब्रेकफास्ट करना है, डिनर करना है, ये सारी चीजें। जी अमित जी, जिस तरीके से हमारी चैनल के साथ आपकी बातें चल रही हैं, एक और विशेष बात, क्योंकि हम दिखाते हैं जमीनी हकीकत सच के साथ हमेशा एनवीआई न्यूज, तो जानना चाहेंगे ग्रामीण क्षेत्र के लिए कोई भी अगर हमारा भाई तैयारी करता है, शहर में तो बहुत सारी चीजें उपलब्ध हो जाती है डाइट के लिए, लेकिन अगर गाँव में अगर वो तैयारी कर रहा है तो गाँव के हिसाब से उसको क्या क्या डाइट होनी चाहिए प्लेयर के लिए? गांव में ज़्यादातर दूध दही इन्हीं सब चीज़ों पे, घी मठा इन सब चीज़ों पे फोकस किया जाता है, तो ये सारी चीज़ें ले सकते हैं। इसके साथ में अपना फ्रूट्स वगैरह लें, फ्रूट में जैसे कि मैंगो और एप्पल बनाना ये सारी चीज़ें, और इसमें जूस वगैरह ऐड कर सकते हैं जिससे कि उनका हाइड्रेशन लेवल बना रहेगा और ये प्रोटीन विटामिन कैल्शियम इन चीज की कमी नहीं होगी। जिस तरीके से अमित जी कोई भी प्लेयर अगर कॉम्पिटिशन में जाता है तो जो मुख्यतः भोजन होता है रोटी चपाती जिसको बोलते हैं, तो कंपटीशन से कितने समय पहले और कितनी डाइट लेनी चाहिए प्लेयर को? कंपटीशन से पहले करीब 2-3 घंटे पहले जो भी कुछ खा सकते हैं वो खा सकते हैं, जैसे कि अगर रोटी वगैरह होती है तो वो ज्यादा टाइम लेती है डाइजेस्ट होने में। जी जी जी। इसके बेसिस पर आप राइस वगैरह चावल वगैरह ले सकते हैं, वो जल्दी डाइजेस्ट हो जाएंगे और दौड़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और बाकी के जो 2-3 घंटे का जो पीरियड होता है उसके बीच में लिक्विड ले सकते हैं, जैसे कि जूस वगैरह अपना, ये सारी चीजें ले सकते हैं जिससे कि बॉडी में वीकनेस या कोई भी प्रॉब्लम ना हो। अमित जी एक और जानना चाहेंगे बात जो आपसे, कि आपकी आगे की तैयारी क्या है और आपका सपना क्या है, क्या बनना चाहते हैं आपसे? सपना तो सभी एथलीट्स का होता है कि हायर लेवल पे रिप्रेजेंट करें, वो अपने देश का नाम रोशन करें, तो अपना सपना तो यही है कि ओलंपिक में खेलें और अपने देश के लिए मेडल लाएं। तो इसका श्रेय आप किसको देंगे? इसका श्रेय स्टार्टिंग मेरी फैमिली से हुआ, तो मैं इसका सारा श्रेय फैमिली को दूंगा। बाकी जो मेरे कोच हैं और भी सपोर्टेड है मेरे, जो उन सभी को थैंक यू, और मेरे स्कूल की तरफ से भी मेरे को थैंक यू। अमित जी लास्ट पॉइंट मेरा रहेगा बहुत ही धमाकेदार, शायद कि देखने वालों को कुछ को अच्छा लगेगा कुछ को नहीं लगेगा, कोई भी प्लेयर अपनी जान लगा करके आपने यहाँ तक पहुंचे मुकाम तक, गोल्ड मेडल आपने अंडर 18 एशिया में लिया है, तो क्या आपके स्थानीय विधायक सांसद या किसी मिनिस्टर जहाँ तक योगी जी ने आपको कोई भी आपका साहस बढ़ाने के लिए कोई भी आपको जो है प्रोवाइड नहीं कराया? जो अलीगढ़ के विधायक सांसद वगैरह है वहां से मेरे को अभी तक कोई हेल्प वगैरह नहीं मिला है। बाकी जो एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया है वो बताते हैं, मतलब अभी तक फिलहाल तो नहीं मिला मेरे को, बता रहे हैं कि वो एशियन का वहां से प्राइज मनी वगैरह मिलता है, तो वो बोल रहे हैं कि अभी थोड़ा टाइम लगेगा उस प्रोसेस में, पर बोल रहे हैं मिलेगा। चलिए इसी के साथ अमित जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे जानकारी हुई और दर्शकों के लिए आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बातों को बताया, कहीं ना कहीं किसी न किसी को आपकी बातों से फायदा जरूर होगा, और मैं बहुत ही शुक्रिया अदा करूंगा आपके पेरेंट्स और आपकी फैमिली वालों के, और जहां तक मैं देख पा रहा हूं कि आपको बहुत मेहनत की आपने और जिन लोगों ने आपका सहयोग किया है उन सभी के लिए न्यूज विलेज इंडिया की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है एनवीआई न्यूज। तो अगर अमित चौधरी की बातें दर्शकों आपको अच्छी लगी हो तो इस चैनल को एक बार लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। मिलेंगे अगली खबर में, लेते हैं आपसे विदा, नमस्कार।